ये कहानी है दो दोस्तों की जिनका नाम राम और श्याम होता है। दोनों लोग काफी मेहनती होते हैं। दोनों दोस्त काम की तलाश में शहर की तरफ जाते हैं और इधर उधर भटकते हैं। काफी समय के बाद दोनों दोस्तों को लकड़ी काटने का काम मिलता है। दोनों दोस्त काफी खुश होते हैं काम मिल जाने पर, और मालिक उन्हें 6,000 की नौकरी पर रख लेता है। 2 साल के बाद राम की तरक्की और मेहनत देखकर मालिक उसे 10,000 की तनख्वाह देता है, जबकि श्याम को वही 6,000 मिलते हैं। जब श्याम को यह बात पता चलती है तो वह भागा भागा मालिक के पास जाता है और कहता है कि मालिक साहब, ये तो गलत बात है। आप राम को 10,000 देते हो महीना और मुझे सिर्फ 6,000, ये तो नाइंसाफी है। तो मालिक उसे बताता है कि तुम दिन में केवल 60 लकड़ी काट पाते हो, जबकि राम वही एक दिन में 100 लकड़ी काट लेता है, इसलिए मैं उसे 10,000 महीना देता हूँ। श्याम मालिक से कहता है कि मैं दिन में 12 घंटे काम करता हूँ और राम दिन में केवल 8 घंटे काम करता है, और साथ ही साथ कहता है कि राम कामचोर है। तो मालिक श्याम से कहता है कि तुम एक बार राम को देखकर आओ कि वह कैसे 8 घंटे में 100 लकड़ी काट लेता है। तो मालिक के कहने पर श्याम जंगल जाता है और राम को पेड़ के पीछे छिपकर देखता है, और वह देखता है कि राम बैठा हुआ है। तो वह भागा भागा मालिक के पास जाता है और कहता है कि मालिक साहब, मैंने सही कहा था कि राम कामचोर है। तो मालिक कहता है कि कैसे तुम कह सकते हो कि राम कामचोर है। तो श्याम कहता है कि जब मैं जंगल की तरफ गया तो मैंने राम को आराम करते हुए पाया। तो मालिक श्याम से कहता है कि इस बार तुम राम के पास जाकर चेक करना कि वह क्या कर रहा है। तो मालिक की बात मानते हुए श्याम दोबारा जंगल की तरफ जाता है और देखता है कि राम अपनी कुल्हाड़ी को पत्थर से नुकीली कर रहा होता है। तो श्याम कहता है कि ये क्या कर रहे हो। तो राम कहता है कि मैं 2 घंटे लकड़ी काटने के बाद अपनी कुल्हाड़ी नुकीली करता हूँ ताकि लकड़ी काटने में आसानी हो, और मैं ऐसा करके ज्यादा से ज्यादा लकड़ी काट लेता हूँ, वो भी कम से कम समय में। ये सब सुनने के बाद श्याम फिर से भागा भागा मालिक के पास जाता है और मालिक उससे कहता है, ये सब कुछ बताने के लिए मैंने तुम्हें राम के पास जाने को कहा, क्योंकि मैं तुम्हें बताता तो तुम्हें समझ नहीं आता। मालिक उससे कहता है कि अब तुम्हें पता चला कि गलती तुम्हारी क्या थी। तुम लगातार लकड़ी काट रहे थे, अपना जो हथियार है उसे बिना मजबूत करे, जबकि राम 2 घंटे काम करने के बाद 15 मिनट अपनी कुल्हाड़ी, जो कि उसका एक हथियार है लकड़ी काटने का, उसे नुकीला करता है, इसलिए वह 8 घंटे में 100 लकड़ी और तुम 12 घंटे में 60 लकड़ी काट पाते हो। श्याम को अपनी गलती का अफसोस हुआ और उसने राम से माफी मांगी, क्योंकि उसने राम को कामचोर कहा था। तो इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि जो हम पढ़ते हैं उसे बीच बीच में रिवाइज करना चाहिए। 1 घंटा पढ़ने के बाद जो पढ़ा है उसे रिवाइज करो। अगर आप पढ़ते ही चले जाओगे तो पुराना वाला भूल जाओगे। अगर आप उसे बीच बीच में रिवाइज करते रहोगे, डेफिनेटली वह आपको परमानेंट याद हो जाएगा। जैसे कहानी में राम अपनी कुल्हाड़ी को नुकीली करता है, आप भी उसी तरह जो आपने पढ़ा है उसे भी कुल्हाड़ी की तरह नुकीली करो। 90% लोग यही गलती करते हैं कि वह साथ ही साथ रिवाइज नहीं करते, और जब उसे कुछ दिनों के बाद रिवाइज करते हैं तो वह टॉपिक नया सा लगता है। तो आप उसे बीच बीच में समय देकर रिवाइज करते रहें। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अवश्य आपको उसमें सफलता मिले। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पे होती हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, डले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। तो दोस्तों, आज की मोटिवेशन स्टोरी कैसी लगी आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर
जरूर करिएगा। मिलता हूँ आपको ऐसे ही नेक्स्ट मोटिवेशन स्टोरी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।